पाला एक अजैविक तनाव है जिससे दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत से महत्वपूर्ण फसलों में बहुत नुकसान देखा गया है। यूं तो रबी की सभी फसलें कम तापमान के प्रति प्रतिरोधक होती हैं, लेकिन तापमान यदि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने लगे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब होता है तो पौधों की कोशिकाओं में जो पानी होता है वो जम जाता है। इससे कोशिकाएं फट जाती है, पौधे का वो भाग बिल्कुल मृत हो जाता है, क्लोरोफिल बिल्कुल खत्म हो जाता है और कुछ समय के बाद उसमें भूरे और बैंगनी रंग के धब्बे भी पड़ जाते हैं। पाले से होने वाला नुकसान निर्भर करता है फसल किस अवस्था में है। पुष्पावस्था में या दाना भरने की अवस्था में यदि पाला पड़ता है तो उसे सबसे अधिक नुकसान देखा गया है। दानों में यदि 20% से ज्यादा नमी हो तो वो दाने बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और फलों और फूलों में भी पाले का बहुत नुकसान देखा गया है। पाले के नियंत्रण के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मेथड यानी कि पाला पड़े ही ना, इसकी अवस्था में आपको खेत का सही चुनाव करना होगा, खेत में ढलान बहुत ज्यादा ना हो। और उसके अलावा कुछ फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ, चकुंदर, इन सब में पाले का प्रभाव कम देखा गया है। और आप अच्छी किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। यदि सरसों की बात करें तो RGN 13, RGN 48 दो अच्छी किस्में हैं। उसके अलावा RH 819 और RH 739, ये 2 किस्में ऐसी हैं जिसमें पाले का प्रभाव अपेक्षाकृत कम देखा गया है। तो और उसके अलावा आप स्टैगर्ड प्लांटिंग करें, यानी कि जो क्षेत्रों में पालों का प्रभाव ज्यादा देखा गया है वहां आप 5 से 7 दिन के अंतराल पर आप बुआई करें, यानी खेत को 4 हिस्सों में बांट लें और 5 से 7 दिन के अंतराल पर बुआई करें, जिससे ओवरऑल जो पाले का प्रभाव है वो कम देखा जाता है। उसके अलावा पोषक तत्व प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। संशोधित नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस और पोटेशियम की भी मात्रा आपको देनी चाहिए। अधिकतर फसलों के लिए 40 से 60 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की दर से संशोधित किया जाता है, वो अवश्य दें। उसके अलावा पाले के लिए सल्फर एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और अगर सघन खेती की बात करें तो जहां हम 1 साल में 2 या 3 फसलें भी लेते हैं तो किसी एक फसल की बुआई से पहले करीब 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से आप सल्फर उपलब्ध कराएं। और मृदा की जांच के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन भी बहुत अनिवार्य है। तो या तो बुआई के समय या खड़ी फसल में फॉलिया स्प्रे या परणी छिड़काव के द्वारा भी आप जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, इन सब का आपको संशोधित मात्रा बनाकर रखनी होगी। जो किसान भाई ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई करना जिन्होंने शुरू कर दिया है वो नर्सरी अभी से ही तैयार कर रहे हैं। नर्सरी में क्योंकि क्षेत्र फल कम होता है और पौधे छोटे होते हैं तो उसको आप श्रेष्ठ तो यही रहता है कि पॉली हाउस में उगाएं या आप लो टनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। यदि ना हो तो सिंपल आप उसको पॉलीथीन से ढक दें। पॉलीथीन के अंदर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर आपके खेत में कुछ फसल अवशेष हैं या धान का पुआल बचा है, बाजरा का पुआल बचा है, उससे भी अगर आप ढक दें तो बहुत इससे नियंत्रण होता है। शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा भी हम पाले की संभावना का पता लगा सकते हैं और पूसा समाचार के माध्यम से भी हम लगातार हमारे किसान मित्रों को मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी देते हैं। तो 2 तरह से पाला पड़ता है। एक तो बहुत ही ठंडी हवाएं या शीतलहर चलती है, उसे हम एडवेक्टिव फ्रॉस्ट कहते हैं। कई बार क्या होता है, मौसम बिल्कुल साफ होता है और सूरज निकलता है, हवाएं एकदम मंद होती है और दोपहर को 3 बजे के बाद में तापमान में तीव्र गिरावट आती है। आप देख लीजिए, करीब 1 घंटे में 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर 3 बजे के बाद गिर जाता है तो उस रात पाला पड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है। यानी अगर किसान मित्रों को ये आभास है कि आज पाला पड़ सकता है तो उस परिस्थितियों में क्या करना है, सबसे आसान तरीका है आप अपने खेत में एक हल्की सिंचाई दे दें। और सिंचाई यदि फव्वारा विधि से करें तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप पूरे खेत में पानी ना भी दे पाएं या फसल को जरूरत ना हो तो आसपास की बाउंड्री में या जो चैनल्स हैं उसमें भी अगर आप पानी भरते हैं उससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और खेत के अंदर तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ पाता। उसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव हमारे पास स्प्रेज होते हैं, सल्फर युक्त कंपाउंड है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है थायो यूरिया। थायो यूरिया या जो कमर्शियल गंधक का अम्ल है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, उसका 0.1% घोल बनाकर आप पौधों में छिड़क सकते हैं। उसके अलावा डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एक सल्फर युक्त तत्व है, उसका 0.2% घोल आप बना के छिड़क सकते हैं। उसके अलावा कुछ वृद्धि कारक होते हैं जैसे साइकोसेल है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है या आपका जिब्रेलिक एसिड है, उसका 0.3% घोल बनाकर आप छिड़काव करें तो फसल को मजबूती मिलती है और पाले का प्रभाव कम पड़ता है। तो ये तो प्रिवेंटिव मेजर हुए। अब कई बार देखा गया है कि फसलों में पाले का नुकसान हो भी गया है तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। फसलों के जैसे हम लक्षण बता रहे थे पाले के, तो जो पौधे का जो हिस्सा मृत हो जाता है पाले के प्रभाव से उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस बहुत रहते हैं, यानी उसमें कई बार फफूंद और बैक्टीरिया का
प्रकोप देखा गया है, तो ये दोनों मिलके फसल को और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि फसल में पाले से नुकसान हो गया है, एक या दो दिन के बाद में जब तापमान थोड़ा बढ़ जाए, आसमान साफ हो और अच्छी धूप निकले, उस समय आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का एक मिक्स्ड घोल जो आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, और उसके 7 दिन के अंतराल पर माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर आता है, उसकी करीब 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें तो पौधे को मजबूती मिलती है और द्वितीयक ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ से पौधे के जो नुकसान हुआ है उसको कम किया जा सकता है। जो फंगस का इन्फेक्शन का चांस रहता है उसके लिए आप कार्बेंडाजीम, बैंकोजेब और एक और एक रसायन आता है जिसको हम वेलिडोमाइसिन कहते हैं, इन तीनों की 1 मिलीलीटर मात्रा को स्टिकर के साथ पानी में घोलकर और आप स्प्रे कर सकते हैं, तो जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता है।